इस सीन में हमें इन तीनों टॉर्च में लाइट दिखाई देती है और दूसरे इस सीन में हमें इस टॉर्च में से लाइट नहीं दिखाई देती। अरे कहना क्या चाहते? इस सीन में हम देखते हैं कि इस झरने से सिर्फ वरुण ही गिरा होता है और वो इस छोटे से तालाब में अकेला ही हमें दिखाई देता है। और दूसरे इस सीन में हमें वरुण के साथ साथ उसके दोस्त भी इसी तालाब में हमें दिखाई देते हैं, पर वो दोनों इस तालाब में कैसे आए? जा पूछ क्या? यहाँ ये सारी लड़कियाँ हमें कृति के पीछे नाचती हुई दिखाई देती है और कोई भी कृति के साथ में नाचती हुई हमें नहीं दिखाई देती। पर दूसरे सीन में हमें ये लड़कियाँ कृति के साथ में नाचती हुई दिखाई देती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस सीन में वरुण ने ये सूट पहना हुआ हमें दिखाई देता है और दूसरे सीन में हमें वरुण ने ये रेड कलर का शर्ट पहना हुआ दिखाई देता है। अरे गायब। उसी सीन में हम देखते हैं कि वरुण चल के आ रहा होता है, तब उसके साइड में ये दो लड़के खड़े हुए हमें दिखते हैं। पर दूसरे सीन में यहाँ वरुण के साइड में सारे लोग घुटने पर बैठे हुए हमें दिखाई देते हैं, वरुण के साइड में कोई भी आदमी हमें खड़ा हुआ नहीं दिखाई देता। इधर लिख लो कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। इस सीन में हमें कृति का एक कट ड्रेस राइट साइड में दिखाई देता है, पर दूसरे सीन में हमें कृति का एक कट ड्रेस उसके लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। यहाँ वरुण और कृति के साइड में हमें लड़कियाँ नाचती हुई दिखाई देती है और लड़के यहाँ पीछे की तरफ नाचते हुए हमें दिखते हैं। पर दूसरे सीन में लड़के यहाँ इन दोनों के लेफ्ट साइड में नाचते हुए हमें दिखाई देते हैं। इधर लिख लो कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। यहाँ जब वरुण और कृति तालाब में होते हैं, तब उनके सारे कपड़े गीले हुए होते हैं, पर दूसरे सीन में हमें इन दोनों के कपड़े सूखे ही दिखाई देते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इस सीन में हमें वरुण के हाथों में कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसके दोनों हाथ खाली ही होते हैं। पर दूसरे सीन में हमें वरुण के हाथ में एक कागज दिखाई देता है जो कि पहले वाले सीन में उसके हाथ में नहीं था। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, ये आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यारो, ऐसे ही मूवीज की मिस्टेक्स देखने के लिए।